नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। प्रदेश की राजधानी भोपाल में आप कार्यकर्ताओं ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं का कहना है कि ओमकारेश्वर बांध का जल स्तर बढ़ने से घर खेत डूबने आ रहे हैं, लोगों के सर पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। पानी का स्तर बढ़ने से डूब में आई एक बच्चे की मौत हो गई, इसको लेकर आप कार्यकर्ताओं ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर प्रदर्शन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि पानी भराव की सीमा को नियंत्रित किया जाए, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। आप कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि पानी को उतारा जाए और विस्थापितों का पुनर्वास किया जाए। कसाई है शिवराज मामा, नहीं कसाई है शिवराज मामा, नहीं कसाई है शिवराज सिंह, होश में आओ शिवराज सिंह, होश में आओ। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश होने के बावजूद गैरकानूनी रूप से पानी बढ़ाया जा रहा है, जिसके कारण तमाम घर और खेत जिनका मुआवजा भी वापस कर दिया गया है वो डूब में आ रहे हैं। और साथ ही साथ परसों एक छोटी बच्ची, एक आदिवासी बच्ची की मौत इसी पानी बढ़ाने के कारण हुई है। हमारा मानना है कि शिवराज सिंह चौहान पूरी क्रूरता पे उतरा है, लोगों के घर खेत डुबोए जा रहे हैं। लोग चेतावनी भी दे रहे हैं कि यदि विस्थापितों को इसी तरह डुबाना जारी रखा तो निश्चित रूप से अगली बार अगले चुनाव में प्रदेश की जनता शिवराज सिंह चौहान को डुबो देगी। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज आज। फिलहाल इस बुलेटिन में तहीं मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए न्यूज आज के साथ।